आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे जो है मंदिर दिखाई देता है। आप यहाँ आएंगे कभी तो आप ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ जो आरती होती है आपने देखा होगा, उस आरती का आनंद लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। हम जो है सडनली एक मंदिर में आए हुए हैं, क्योंकि हमें रिक्शे में एंटी मिली थी, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इस मंदिर के बारे में डिटेल बताई और बोली कि बहुत ही प्यारा मंदिर है, आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। तो हम जो है सडनली उतरे और एकदम से इस मंदिर में आ गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर कैसा है, जैसा उन्होंने बताया था सेम वैसे ही है या फिर कैसा होने वाला है। तो आप सामने से देखेंगे कुछ मंदिर जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर लाइन वगैरह लगी है, प्रवेश द्वार यहाँ पर दिए गए हैं। आप देखेंगे बाहर से कुछ इस प्रकार का नज़ारा है मंदिर का। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि अंदर से मंदिर जो कैसा दिखाई देता है। इस मंदिर का नाम जो है गोपेश्वर महादेव मंदिर होने वाला है, जो कि हम देख रहे हैं अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल जैसा आंटी ने हमें बताया था उस हिसाब से तो आप देखेंगे तो मंदिर बिल्कुल सही लग रहा है, अंदर अच्छा फील हो रहा है। उन्हें ना बोला था कि आप फील करके अगर मंदिर आते हैं तो आपको मंदिर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस प्रकार का पूरा यहाँ पर जो है मंदिर बाहर से दिखाई देता है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, ऐसा छोटा मोटा मंदिर नहीं है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर से। अब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो है हर 15 मिनट में कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा नंबर कब लगता है, देख सकते हैं कुछ फॉरनर्स वगैरह भी यहाँ पे जो है विजिट करते हैं। श्री श्री नित्यानंदम महारा प्रभु द्वार आप देख रहे हैं, इसके अंदर चलते हैं और ये इस प्रकार का पूरा यहाँ पर जो है नज़ारा होने वाला है। तो भाई जैसा आंटी ने हमें बताई थी सेम वही फीलिंग आ रही है। आंटी ने बोला था कि मंदिर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा होने वाला है, और सेम वैसे ही देखेंगे आप, मंदिर बहुत प्यारा है। यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, 3 द्वार आपको देखने को मिले। हम अभी दूसरे द्वार से अंदर जा रहे हैं, इसके बाद जो है मंदिर पड़ेगा, वहाँ पर जो है हम लोग दर्शन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर शूज़ वगैरह रिमूव कर देते हैं। अगर आप मंदिर आते हैं तो आपको ऐसे जो है अपने शूज़ वगैरह रिमूव करने होते हैं, यहाँ देख सकते हैं शूज़ वगैरह आप रख सकते हैं। ये मंदिर जो है बंद होने वाला है, फिर 1 घंटे बाद खुलेगा, इसलिए हमें थोड़ा तेज़ी से चलना होगा। यहाँ पे अभी शायद आरती हो रही है, तो चलिए अंदर चलते हैं, डायरेक्ट आपसे अंदर मिलते हैं। जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर का नज़ारा। Thank you.
फ्रेंड, जैसा कि एंटी ने बताई थी हमें, सेम वैसी ही फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है इस मंदिर में आरती। आपने देखा कितनी प्यारी आरती थी, कैसा लगा आपको ये मंदिर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत यहाँ की आरती बहुत प्यारी लगी, खासतौर पर जो मंदिर में कुछ अलौकिक ताकत टाइप की लगी, जो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए। जो यहाँ पर आरती होती है वो अब तक मैंने आरती कहीं देखी नहीं, और ख़ासतौर पर हम पूरे जयपुर घूमे लेकिन हमको लास्ट में मज़ा आया तो यहाँ पर। हाँ, हम पूरा जयपुर घूम लिए, हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था, बकवास लग रहा था कि बोर मन पूरा बोर है पूरा जयपुर, लेकिन यहाँ आके हमें बहुत ही बेटर फील हुआ, ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें हमको एक आंटी ने बताई थी तो यहाँ मंदिर को पैसा वसूल हो गया, जयपुर का ट्रिप सक्सेसफुल हो गया ये देख। तो यहाँ पे मंदिर कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, अभी जो है कपाट बंद हो गए हैं, अब वो खुलेंगे एक घंटे के बाद। ये मंदिर बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है जब यहाँ पे आरती होती है, और आरती बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, जिसको एक मनमोहक होती है, बहुत ही आपका मन यहाँ पर लग जाता है। तो फिलहाल मंदिर बंद है, जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं फिर हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये थे पूरे मंदिर जो कि आपने देखा, बहुत ही प्यारा मंदिर। जयपुर में आप कभी आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आइएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे अभी जो है श्री राधा जी के, कृष्ण भगवान के जो है यहाँ पे कपाट बंद हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिलहाल आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे जो है मंदिर दिखाई देता है। आप यहाँ आएंगे कभी तो आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ जो आरती होती है आपने देखा होगा, उस आरती का आनंद लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ सामने देखेंगे आपको हॉल देखने को मिल जाता है, और ये है यहाँ से आपको परिक्रमा लगाना होता है। अगर आप परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप परिक्रमा लगाएंगे, और इसके आजू बाजू में जाएंगे देखेंगे यहाँ पर आपको जो है कुछ हॉल वगैरह है जहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो यहाँ पे किए जाते हैं। और ये मंदिर आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारा है, अगर आप कभी जयपुर आ रहे हैं कहीं बाहर से तो भाई एक आध फोर्ट छोड़ दो, मंदिर में ज़रूर विजिट करो, क्योंकि ये जो मंदिर है ना बहुत ही प्यारा है। आपको यहाँ पे शाम को आना है 7 बजे, आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि 7 बजे के पहले यहाँ पे आरती शुरू हो जाती है, तो उससे पहले आप आ जाइए 6:30 तक, और यहाँ पर रुकिए 7:30 बजे तक। आपको जो आनंद मिलेगा वो पूरे जयपुर घूमने में नहीं मिलेगा। अब देखेंगे कुछ जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का पूरा जो मंदिर दिखाई देता है। सामने इसमें मार्बल बिछा हुआ जो कि बहुत ठंडा है ठंड के समय में, और ये हम लोग अभी लगा रहे हैं परिक्रमा पीछे से। कुछ इस प्रकार का पूरा यहाँ मंदिर है, मंदिर में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो आरती होती है, मैं तो उसका भाई फ़ैन हो गया हूँ। और यहाँ पर जो क्राउड आता है, और यहाँ पर जो तन मन धन से लोग आरती गाते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपके जो है हाथ पैर जुड़ने लगते हैं, आप नाचना चाहते हैं तो गाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस मंदिर में आके। तो ये था पूरा मंदिर दोस्तों, कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों प्रवचन कक्ष आप देख रहे हैं सामने, कुछ इस प्रकार से उसको सजाया गया है। यहाँ पे प्रवचन वगैरह होते हैं, श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पे कथा वगैरह सुनाई जाती है। अगर कभी आप आते हैं यहाँ तो आइए, ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये है पूरा मंदिर जो कि इस प्रकार का दिखाई देता है, काफ़ी बड़ा मंदिर और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आप कभी आते हैं तो आप यहाँ पर बड़ी चौकी ऐसा कुछ चौक पड़ता है, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। ये है दोस्तों पूरा मंदिर जो कि हमने आपको दिखाया, श्री राधा कृष्ण जी का यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे शाम को 6 से 7 के बीच में आरती होती है, और ये मंदिर बहुत ही प्यारा है और देखने में बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे आपको 2 गेट शुरू मिल जाते हैं, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। तो ये मंदिर कैसा लगा आपको हमें कमेंट कर बताना, अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं हम आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी।